नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी काफी चर्चा में बनी हुई है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और साथ ही एक कट्टर राष्ट्रवादी विचारधारा की नेता। मेलोनी अक्सर अपने वक्तव्य और विचारों को खुलकर समाज के सामने रखने के लिए जानी जाती है। अब ऐसे में एक बार फिर से मेलोनी सुर्खियों में आ गई, जिसकी वजह है इस्लाम के खिलाफ एक बड़ा बयान देना। जी हां, जॉर्जिया मेलोनी ने सोमवार 18 दिसंबर को एक अपने संबोधन में कहा कि इस्लाम धर्म का यूरोप में कोई जगह नहीं। बता दें कि मुख्यतः इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस्लामिक संस्कृति और यूरोप का कल्चर आपस में मेल नहीं खाता, ऐसे में इस्लाम की यूरोप में इसके लिए कोई जगह नहीं। मेलोनी ने कहा कि इटली में इस्लाम के सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब की ओर से फंडिंग की जा रही है, जहां शरिया कानून लागू। यूरोप में जो इस्लामिकीकरण की प्रक्रिया चलाने की कोशिश की जा रही है, वह हमारी सभ्यता के मूल्यों से बहुत दूर है, ऐसे में मुसलमान यूरोप से दूर रहे। इटली पीएम ने इस्लामी सभ्यता के यूरोप से दूर रहने को ही बेहतर बताते हुए कहा कि हमारी सभ्यता के मूल्यों और इस्लामी मूल्यों के बीच सामंजस्य ही नहीं, ये दोनों परस्पर विरोधी। जॉर्जिया मेलोनी की यह टिप्पणी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने यूरोप के कल्चर को अवैध प्रवासियों से खतरा होने की बात कही। दरअसल प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने हालिया इटली दौरे पर कहा है कि अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या से यूरोप का समाज अस्थिर हो जाएगा, ऐसे में हमें अपने कानूनों को अपडेट करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बातचीत की जरूरत है, जिससे अवैध प्रवासियों की समस्या और यूरोप को प्रभावित होने से बचाया जा सके। सुनक के बाद अब जॉर्जिया ने इस्लाम और मुसलमानों के यूरोप आने को लेकर यह बड़ा बयान दिया। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला पीएम है। वह इटली की दक्षिण वामपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली की नेता है। इटली की पहले पीएम बनने के अलावा उनके नाम पर 31 साल की उम्र में इटली की सबसे युवा मंत्री बनने का भी रिकॉर्ड है। अपने बयानों और दक्षिणपंथी रुझान के लिए जॉर्जिया अक्सर चर्चा में आती रही। जॉर्जिया ने खुद को मुसोलिनी का वारिस बताया था, जिस पर काफी आलोचना भी उनको सहनी पड़ी थी। जॉर्जिया एक बयान में मुसलमानों को इटली के लिए खतरा भी बता चुकी। जॉर्जिया निजी जिंदगी के लिए भी काफी चर्चा में रहती है। उन्होंने कुछ ही समय पहले ही एंड्रिया गियाब्रुनो से रिश्ता खत्म किया। करीब 10 साल चले इस रिश्ते के बाद जॉर्जिया ने ब्रेकअप का ऐलान किया था। जॉर्जिया की भारत में भी अक्सर चर्चा होती रहती। इसी साल G20 सम्मेलन में जॉर्जिया भारत आई थी, तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। हाल ही में वह दुबई में भारतीय पीएम मोदी से भी मिली थी, तो दोनों की सेल्फी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही थी, जिसे हैशटैग मेलोडी के नाम से यूट्यूब और साथ ही ट्विटर पर ट्रेंड किया जा। दोस्तों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल। धन्यवाद।